तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें ताकि बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। मैं ATS टीम से भी गुजारिश करूंगा कि जितने भी दोस्त अहबाब बाहर एंट्री पे मौजूद हैं उनको जल्द अज़ जल्द हॉल के अंदर भिजवाया जाए ताकि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। हम अपने वक़्त से कुछ वैसे ही ताखीर में हैं, तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके एग्जीबिशन हॉल के अंदर अपनी एंट्री करें। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए सबसे पहले तलावत कलाम के लिए साजिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, टेक्सले से हमारे एक भाई हैं बड़े प्यारे, उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और तलावत कलाम से प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ किया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم میرے دوستو اور بزرگو एक दफ़ा दिल से बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबी। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
जजाक अल्लाह जी। अल्लाह ताला साजिद भाई आपकी इलम में, आपके जज्बे में और बरकतें वसत अता फरमाए। अच्छा, मैं आज के बकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सिर्फ चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो बातें मैंने अपने इस विज़िट में, इस इलाके के दौरे के दौरान लोगों के साथ मशवरा करते हुए ऑब्ज़र्व की हैं। मैं सबसे पहले, कुछ शुरू करने से पहले, तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जितने लोग गिर्द नवा के इलाकों से आज तशरीफ़ लाए हैं, और ख़ुसूसन इन हालात में, जिन हालात में इलाके में ऐसी एक अजीब तबज़बज़बी का शिकार है, कुछ रास्तों की ब्लॉकेज है, कुछ रास्ते इस वक्त पर भी पता चल रहा है काफ़ी ब्लॉकेज की वजह से। कई दोस्त अहबाबों के मुझे फ़ोन आए हैं कि माजरत कबूल की जाए, और आज का जो प्रोग्राम हमारा लेट शुरू हो रहा है, इसकी भी वजह आप सब लोगों को पता है कि रावलपिंडी के गिर्दोनवा के अतराफ के इलाकों को ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की आमद कदरे लेट हुई है और हमारे प्रोग्राम की भी ताखीर थोड़ी सी आपके सामने आई है। मैं सबसे पहले इस चीज़ पे दिली तौर पे माजरत खा हूँ, और दूसरा आप लोगों के हौसले को, जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, और इसको इतना अप्रिशिएट करता हूँ कि आज इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 80-90% गैदरिंग मेरे सामने रूप पर मौजूद है, और मैं आपके हौसले की, मोहब्बत की और आपकी शिरकत की आज दाद देता हूँ कि आप लोगों ने वाकई ये साबित किया है कि आप लोगों का प्यार ATS कंपनी के साथ, और ख़ुसूसन जनाब चेयरमैन व बानी अमजद वज़ीर साहब के साथ आपको यहाँ खींच के लाया है। और रास्तों की रुकावटें हायल होती हैं, लेकिन जहाँ दिलों के ताल्लुक़ हों वहाँ पर वो रुकावटें भी अबूर की जाती हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत आप दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों ने आज दिया है। मैं ख़ुसूसी तौर पे मैं उन दोस्तों का मशकूर हूँ जो हमारे रावलपिंडी के इस प्रोग्राम में मर्दान शहर से तशरीफ़ लाए हैं, और उनकी मोहब्बत और जज्बे को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद है, और मेरे ग्रुप की तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से दिल की गहराइयों से उन सब दोस्तों का जो अपनी खसूसी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आज हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं। मैं अब ज़्यादा गुफ्तगू को तवील नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि आप सब लोगों ने आज यहाँ पहुँच के अपने कीमती वक्त को यहाँ पर जो दिया है, मैं मुख्तसर टाइम को लेते हुए आप सब दोस्तों से एक ही गुजारिश करूँगा कि चेयरमैन व बानी ATS ग्रुप आज आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं, और ये मैं समझता हूँ आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे कीमती लम्हा है कि आप उनकी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे, और ये गुफ्तगू आम गुफ्तगू नहीं है। मैं ये समझता हूँ चेयरमैन व बानी हमारे इज़्ज़त मुआब जनाब अमजद वज़ीर साहब अपने 40-50 साल तजर्बे को आपके साथ शेयर करते हैं, और ये वो ग्रुप है जो अपने कीमती असासे को, ये असासा होता है जो पैसे दे के भी बंदा नहीं हासिल कर सकता, अपने कीमती असासे को आप लोगों तक पहुंचाता है। मैं पूरे पाकिस्तान और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट की बात करूंगा कि आप लोग दुनिया के किसी ऐसे इलाके का नाम नहीं ले सकते जहां पर लोग अपने इलम को आप लोगों तक पहुँचाएँ, और ख़ुद आप तक पहुँच के आप लोगों को इस इलम से फैज़याब करें। ये पाकिस्तान की ये वाहिद कंपनी, और मैं समझता हूँ ये फ़र्द वाहिद हैं हमारे मौजूद हैं जनाब अमजद वज़ीर साहब, जो आपको अपनी ज़िंदगी का असासा देने आए हैं, तो आप सब दोस्त उस असासे को हासिल करने में कमी ना रखिएगा। आप इस प्रोग्राम को एक आम प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम ना समझिएगा, आपको जो इल्म की आज तरसील मिलेगी यहाँ से जनाब से, आपको उसमें से हर वो बात मिलेगी जो आपके काम से मुतल्लिक है। मैं सब दोस्तों को जब मिलता हूँ, दावत देता हूँ प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं लोगों को कहता हूँ ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपने सिर्फ अपनी वक्त को गुजारने आना है, इसमें आपने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को और हमारी ज़िंदगी के तजर्बात को आपस में मिलाने आना है।
आपकी ज़िंदगी में कारोबारी जो जो मसाइल आते हैं आज आपको उनका हल मिलने वाला है, कोई फाउंड्री वाला है, कोई मकैनिक है, कोई ऑटो पार्ट्स वाला है या कोई वैसे ही इलम का मुतलाशी है, तो आज उनको वो बातें मिलेंगी जो इंशाल्लाह मैं ये यकीन रखता हूँ कि आज से पहले उन तक नहीं पहुँची होंगी। तो मैं बिला ताखीर और बिला रोक मैं चेयरमैन बबानी जनाब अमजद वज़ीर साहब को दरख्वास्त करूँगा कि अपने इलम के समुंदर को आप तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाएँ और ख़ुसूसी तौर पर अपने बयान से आप लोगों को सैराब करें। जी जज़ाकअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मकैनिक भाइयों, बोरिंग हाउसेस मालकान और डीलर साहिबान, अस्सलाम अलैकुम। जैसे अभी आपको उस्मान साहब ने कहा कि आज आपका आना मेरे लिए बायस फ़ख्र है, बायस इज़्ज़त है। आज मेरे जब मैं लाहौर से चला तो रास्ते में जो हालात हमने देखे, जगह जगह कंटेनर, तो मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं आज 100 लोग भी कैसे पहुंच सकेंगे जैसे रास्तों की हालात है। लेकिन आप लोगों ने आके हकीकतन इस बात का सबूत दिया है कि आप लोग एटीएस को बहुत प्यार करते हैं और एटीएस की चाहत रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये सिलसिला जो आज आप देख रहे हैं, ये सिलसिला हमने शुरू किया। इस सिलसिले का आज तक 20 साल हो चुके हैं, कोई पाकिस्तान में और ऐसी आपको कोई अदारा नज़र नहीं आएगा जिसने इसकी कॉपी करने की कोशिश की हो। एक तो इसकी कॉपी करने के लिए काफ़ी इसके ऊपर खर्च होता है, वो भी कोई बात नहीं, लोग खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो गेन करना और वो गेन करके आप तक पहुंचाना, वो शायद पाकिस्तान में किसी के पास नहीं, और अगर किसी के पास है तो शायद उसको अदायगी में तकलीफ़ हो कि वो अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह की मेहरबानी से इट्स अ गुड कम्बिनेशन कि हमें अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें अता फरमाई हैं, इसके बारे में, स्पेयर पार्ट के बारे में नॉलेज भी और इसकी अदायगी भी और आप तक बयान को पहुंचाने का हौसला भी। मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैं स्पीच कर रहा था तो 100 लोग बैठे हुए थे, कोविड से पहले, कोरोना से पहले 2500 लोगों का मैंने कॉन्फ्रेंस किया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सबसे बड़ा हॉल है, यहाँ 2500 लोग आते हैं, तो 2500 लोगों की मैंने कॉन्फ्रेंस की। अब जब से कोविड शुरू हुआ है हमने ये 400-500 लोग कर दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होना सेहत के लिए ठीक नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से आपको इसकी मिसाल मिल ही नहीं सकती सारे पाकिस्तान में कि किसी भी अदारे को आपने इस तरह जाके। और एक्चुअली बात यह है कि ये एक, इस चीज़ को हम राबता मुहिम का नाम देते हैं कि अपने कस्टमर के साथ जो हमारी चीज़ खरीद रहा है उसके साथ हमारा राबता कायम हो। देखें, अंग्रेज़ जो है वो कुत्ता भी खरीदता है, घोड़ा भी खरीदता है, तो उसके साथ पुश्तों को देखता है, उसकी बकायदा एक किताब साथ मिलती है घोड़े की कि इसका बाप कौन था, इसका फलाना दादा कौन था, परदादा कौन था, कितनी रेसें ये जीता हुआ है, तो तब वो ख़रीदा जाता था। कुत्ता भी खरीदते हैं, वो उसकी नस्ल देखते हैं। हम पार्ट्स एक दूसरे को बेचते हैं, लेते हैं, हमें भी पता होना चाहिए ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप क्या है, इस ग्रुप की हिस्ट्री क्या है, ये कोई फ्रॉडिये तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो हमारा ख़रीदार कौन है, आपको पता हो कि सामान देने वाला कौन है, उसकी क्या औकात है या वो कितना है, कि वो कितना सच्चा है। तो ये नहायत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि एटीएस कौन है, एटीएस के पीछे क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं,
कि 1958 में मेरे बड़े भाई साहब ने ये स्पेयर पार्ट का काम शुरू किया था 1958 में। तो आप सोचें शायद इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पुराने लोगों में चंद लोग रह गए हुए जिनमें मेरे भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी हैं। इंपीरियल ऑटो के नाम से हैं, फोर्ड के पाकिस्तान के सबसे बड़े डीलर थे। अब फोर्ड ट्रैक्टर चूंकि कम होता जा रहा है लेकिन वो फोर्ड आज भी कर रहे हैं और बेलारूस के सबसे बड़े हैं। वाटर बॉडी सील पाकिस्तान में सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर वो हैं। और ये वाटर बॉडी सील को छोटी चीज नहीं है, एक एक वाटर बॉडी सील 3-3 लाख रुपए की भी है जो ट्यूबवेल्स पे लगती है, जो के तेल का कुआं खोदने वाले जो वहां पे जो उनके हैं उनके अंदर 3-3 लाख की सील भी एक लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंबाइन हार्वेस्टर में तमाम कंबाइन हार्वेस्टर का सामान रखते हैं, फोर्ड ट्रैक्टर का रखते हैं, बेलारूस का रखते हैं। तो और वाटर बॉडी सील पाकिस्तान में है। उसके बाद पाक ट्रैक्टर हाउस मैं 1968 में बिजनेस में आया। 1968 जब मैं बिजनेस में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम शुरू किया। तो मिल्लत ट्रैक्टर का मैं डीलर बनना चाह रहा था लेकिन मिल्लत ट्रैक्टर ने मुझे डीलरशिप शुरू में नहीं दी। फिर एक ऐसा इत्तफाक हुआ कि अल्लाह ताला ने डीलरशिप देनी थी तो एक मार्शल ला लगा जिसके जो कोर कमांडर लाहौर थे वो बड़े भाई के दोस्त थे, तो उन्होंने मिल्लत ट्रैक्टर के चेयरमैन को फ़ोन किया कि भाई ये बड़े अच्छे काम करने वाले इनको डीलरशिप दे दें। उन्होंने मुझे डीलरशिप दे दी और दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और चेयरमैन साहब खुद बाहर खड़े थे कि जल्दी से साइन करो और उनको इतला कर दो जनरल साहब को कि आपको डीलरशिप मिल गई है, मिल गई। अब जब पहली एनुअल कॉन्फ्रेंस आई साल के बाद तो मैं खड़ा हो गया। तो मैंने उठकर उनको कहा जी आपकी क्रैंकशाफ्ट ठीक नहीं है। उन्होंने कहा यार आज तक हमारी कॉन्फ्रेंसें होती हैं किसी ने हमारी चीज़ पे इतराज़ नहीं किया, ये ऑयल पंप पे भी इतराज़ कर रहा है, ये क्रैंक पे भी इतराज़ कर रहा है, ये रिंगों पे भी इतराज़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा था हम इसके डीलर बनाते ही नहीं थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा लेकिन चूंकि मेरी आप लोगों से बड़ी दोस्ती थी, मैकेनिकों से, बोरिंग हाउसेस से बड़ी दोस्ती थी, मैं अक्सर औकात अपने बोरिंग हाउस वालों से जाके सीखता था, मैकेनिक भाइयों से सीखता था, वो अपनी तकालीफ बताते थे कि इस पुर्जे में हमें क्या तकलीफें हैं। तो वो जब होता था तो मैं खड़ा होके तो कॉन्फ्रेंस वाले दिन उनको कहता तो उस पर वो बड़ा उनको नागवार सा गुजरता। 8 साल गुजरे तो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डीलर मुझे करार दिया गया, सबसे बड़ा डीलर। तो अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने मुझे इंग्लैंड का टिकट दिया, इंग्लैंड में एक हफ्ते का होटल दिया और साथ पैसे दिए और उन्होंने कहा कि आप इंग्लैंड का टूर करके आएँ क्योंकि आप पाकिस्तान में सबसे बड़े डीलर करार दिया गया। तो मैं अब यहाँ से स्टोरी चलती है कि हमने ये कैसे सब कुछ किया। तो मैंने जब इंग्लैंड गया तो मुझे अंग्रेज़ एयरपोर्ट पे लेने आए हुए थे, उन्होंने जाके मुझे होटल में ठहराया। दूसरे दिन वो लेके गए मुझे प्रेसिडेंट से मिलाया। जब मैं प्रेसिडेंट से मिला तो मैंने उसको कहा जी कि आपके इंजन में क्रैंक ठीक नहीं है, ऑयल पंप रिंग। उसने कहा आई एम सॉरी हम इंजन बनाते ही नहीं हैं, इंजन हम परकिन से खरीदते हैं और वहाँ से खरीद के इसके अंदर रख देते हैं। तो उन्होंने कहा आपको हम परकिन कंपनी के पास ले चलेंगे, आप उनसे बात करें। दूसरे दिन मैं परकिन कंपनी के पास गया, मैंने उन्हें बताया जी आपकी क्रैंक, अब यहाँ पे फाउंड्री वाले बैठे हुए हैं, क्रैंक की जो हार्डनेस है वो 58 रॉकवेल से 62 रॉकवेल होती है, 58 रॉकवेल से 62 रॉकवेल। उस वक्त जो उसकी हार्डनेस आ रही थी वो 38 थी और 38 होती है लोहे की अपनी हार्डनेस, उसको इंडक्शन हार्ड नहीं किया होता, उसकी अपनी हार्डनेस जो है 38 होती है वो हुआ। इसी तरह रिंग के बारे में बात हुई
कि मैंने उन्हें कहा जी आपके रिंग जो है वो पहले जो है वो बड़े टन टन करते थे, अब वो बिल्कुल ढक ढक करते हैं। तो उन्होंने हमें कहा जी के परकिन वालों ने, उन्होंने कहा जी हम इंजन को जोड़ते हैं, चीजें नहीं बनाते, तो हम आपको चीजें बनाने वालों के पास ले चलेंगे। फिर वो मुझे क्रैंक वालों के पास लेके गए, तो मैंने उन्हें बताया, मैं कहा हमारा पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हम तो स्टैंडर्ड से लेके 70-80 तक क्रैंक डालते हैं। उसने कहा जी हमारे इधर सिर्फ स्टैंडर्ड ही लगती है, स्टैंडर्ड के बाद हम क्रैंक को फेंक देते हैं। उसकी दो वजूहत है कि एक तो ओवरहॉलिंग महंगी पड़ती है नए इंजन खरीदने से, और दूसरा यह है कि वक्त ज़ाया होता है। तो वो करते हैं स्टैंडर्ड की क्रैंक खराब हुई, इंजन को रिप्लेस कर दिया। तो मैंने उसे कहा नहीं, हमारा बड़ा गरीब मुल्क है, हम तो 7-8 साइज तक इसको लेके जाते हैं। उनकी समझ आई, फिर रिंग वालों से हुई, फिर ऑयल पंप वालों से हुई, क्योंकि ऑयल पंप के पीछे एक रबर रिंग होता है, उन्होंने निकाल दिया था। तो मैंने उन्हें कहा जी कि ये रबर रिंग निकालने से इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सारा टूर जब करके मैं फारिग हुआ, तो मुझे प्रेसिडेंट के पास ले गए। प्रेसिडेंट के पास जब मैं गया, तो प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा अगर पूरा पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर हम आपको बना दें मैसी का, तो आप पसंद करेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पाकिस्तान के लिए? तो मैं बड़ा, उस वक्त मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये 1980s की बात है, तो मैं ना पैसा इतना ज़्यादा था, लेकिन मैंने हौसला किया, मैं कहा हाँ जी मैं करूँगा। एक तरफ मैं सोचूं कि मिल्ले ट्रैक्टर ने मुझे भिजवाया है और ये कह रहे हैं कि ये सामान जो स्पेयर पार्ट है सिर्फ मुझे देंगे, मिल्लत को भी नहीं देंगे, और मिल्लत मुझसे लेगा जो स्पेयर पार्ट उनको वेयर हाउस के लिए चाहिए, ट्रैक्टर उनको मिलेगा, पार्ट्स मैं डील करूंगा। तो मैंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने वहाँ ये उनसे कमिटमेंट की, तो मैंने घर और ऑफिस लंदन में ख़रीदा, ऑफिस भी बनाया, घर भी लिया, वेयर हाउस भी लिया, और हमने ये काम शुरू किया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई 15 साल गुजरे, बल्कि 20 साल, तो पूरी दुनिया का पहले मुझे पाकिस्तान का मिला था बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, अब मुझे पूरी दुनिया का मैसी फर्गुसन इंग्लैंड का डिस्ट्रीब्यूटर अवार्ड मिला। वो ये पड़ा हुआ यहाँ पे, ये चांदी का क्राउन ओपिनियन, मुझे ये अवार्ड मिला। वो देखे, ये चांदी का क्राउन ओपिनियन 200 मुल्कों में 7 अरब 70 करोड़ लोगों में, 7 अरब 70 करोड़ लोग और 200 मुल्कों में ये अवार्ड 1993 में मुझे लाहौर अब पीसी होटल में हमें यह अवार्ड मिला। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब यह पीसी होटल में हमें अवार्ड मिला, तो बहुत बड़ी तकरीब की गई। 1994 में नज़र लग गई और मैसी फर्गुसन जो है वो बिक गया। मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर जो है वो कंपनी जो है एक्को कंपनी, वो बिक गई और वो ब्राज़ील जो है ना, वो ब्राज़ील कंपनी वहाँ ले गई इसको। तो उसके बाद मेरी डीलरशिप भी चली गई। तो अब हमने सोचा कि अब क्या करें हम। तो हमने देखे, मैं आपको बताऊं, आज CAV की नोज़ल आज जो है ये परकन के पार्ट्स, परकन का 5 ओवरहॉलिंग के सेट ओरिजिनल आप मुझे दिखा दें, मैं आपको जो कहेंगे इनाम देने को तैयार हूं। यानी पूरे पाकिस्तान में 5 ओवरहॉलिंग परकन के ओरिजिनल नहीं है। आप गोइड्स जो है पिस्टन और गोइड्स रिंग, मुझे 5 सेट गोइड्स के पिस्टन रिंग ओरिजिनल जर्मनी के दिखा दें, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम देने को अभी तैयार हूं। एक भी गोइड्स का रिंग, एक भी गोइड्स का पिस्टन असली नहीं है। रिंग चाइना के है, पिस्टन पाकिस्तान का है।
और अगर आप मुझे शो कर दें मैं यहाँ हूँ 3 घंटे तो मैं आपको 1,00,000 रुपया देने को तैयार हूँ। गोइड्स जर्मनी का आप मुझे दिखा दें या टर्की का दिखा दें, 2 जगह से गोइड्स आता है, टर्की और या जर्मनी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नोजल जो है सीएवी की डेल्फी की, वो जो डेल्फी का काम करने वाले सीएवी का काम करने वाले थे 20-25 साल से जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब वो नोजल चाइना की डेल्फी की बनी बेच रहे हैं। अगर मैं चाहता तो जिस तरह 20 साल मैंने ये मैसी फर्गुसन के पार्ट्स बेचे 20 साल, और सारे पाकिस्तान को पता था, बल्कि पाकिस्तान से अलावा मुल्कों में भी हम वो बेचते थे, पता था कि मैं मैसी फर्गुसन का सोल डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और मैसी फर्गुसन को कैटरपिलर ब्राजील ने खरीदा था, कैटरपिलर ब्राजील ने मैसी को। तो अब जब वो बिक चली गई मैसी फर्गुसन उधर, मैं अगले 20 साल नकली मैसी फर्गुसन बना के डब्बों में डाल के बेचता, किसी को शक भी नहीं पड़ता। और यहां मैं एक और बात भी कहता होता हूं कि अगर मैं नकली बनाता तो खुदा की कसम शायद असली से भी अच्छा होता, असली से भी अच्छा होता। आज आप देखें हमारे हर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ बेटर देन जेन्युइन के एटीएस जो है वो असली से अच्छा है, कितनी बड़ी बात है। मैं लोगों को कहता हूं शायद बाबा आदम अलैहि सलाम से लेके आज तक किसी ने ये दावा ना किया हो कि मैं असली से अच्छा हूं। और मैं असली से अच्छा हूं ये दावा मैं क्यों करता हूं कि जब मैं गया परखन की क्रैंक और परखन के रिंगों वालों के पास, मैं आपको हर बात सच कह रहा हूं, अब मैं हर बात पर कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी हर बात को कसम वाली समझे कि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब बात यह है कि हमारे रिंग जो आप कहते हैं पहले टन टन आते थे वो महंगे थे, अब परखन कंपनी हमसे स्पेसिफिकेशन जो मटेरियल है उसको कम करवा के ले रही है, जब कम करवा के ले रही है मटेरियल तो वो पैसे भी कम हो गए हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में एक फिक्रा कहा कि उसका मतलब ये था जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। उस वक्त क्रैंक वालों से भी बात हुई तो उनको मैंने कहा जी आपकी क्रैंक हम खरीदेंगे नहीं, मैं स्पेन से ले लूंगा, आपकी क्रैंक नहीं, मुझे जो आपने हार्डनेस बताई है और उस पर आप डटे भी हुए हैं कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते, 5% बिजनेस है, इसके लिए हम अपनी चीज़ नहीं बदल सकते, तो मैं कहा हम आपसे लेंगे नहीं। मैं स्पेन गया, मैंने स्पेन से डाटसा क्रैंक बनाई, आज वो इससे दुगनी महंगी बिकती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बिकती है। तो ये चीज़ हुई, जब हमने हमारी डीलरशिप गई तो हमने सोचा कि बजाय कोई फ्रॉड करें कि मैसी फर्गुसन के डब्बे में, मैसी की पैकिंग में, परखन की पैकिंग में नकली पिस्टन, नकली रिंग, नकली चीज़ें डालें, हम अपना एक ऑफिस जो है इंग्लैंड में, जो हमारा वेयर हाउस है दफ्तर है, उसको इंग्लैंड में हम रजिस्टर करवाते हैं, हम उसको इंग्लैंड में रजिस्टर करा के और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको, आप ज़रा प्लीज़ फ़ोन छोड़ दें, मेरी तवज्जो आपकी तरफ होती है, मैं बात भूल जाता हूँ। तो उसको फिर हम रजिस्टर करवाते हैं और उन लोगों के पास जाते हैं जिसके पास से वो रिंग ले रहे थे, जिसके पास से क्रैंक ले रहे थे, जिसके पास से पिस्टल ले रहे थे, जिसके पास से ऑयल पंप ले रहे थे, उनको जाके कहते हैं डालो जितना गुड़ डालना है, हम देने को तैयार हैं, तो हमें तुम माल अच्छा दो। अब मुझे एक बात बताएं, जब वो 3 चम्मच डाल रहे थे चीनी के और मैंने उन्हें कहा जी 5 चम्मच डालो, मेरे से पैसे और ले लो, तो फिर मैं कैसे ना कहूँ कि मैं जेन्युइन से अच्छा हूँ। जेन्युइन में 3 चम्मच है, मैंने 5 चम्मच डलवाए तो अल्लाह ताला ने बेख्तियार बेख्तियार मेरे मुंह से निकलवाया कि मैं जेन्युइन से बेहतर हूँ, क्योंकि वो झूठ नहीं है। फिर जब हम वो लेके आए, जब हम वो लेके आए तो लोगों को हमने कहा, लोगों ने कहा जी इनका जो ज़हनी तवाज़ुन ख़त्म हो गया, क्योंकि इनकी डीलरशिप थी 20 साल, इन्होंने बड़ा माल पानी बनाया, वो अब ख़त्म हो गई, तो ये बेचारे कुछ ज़हनी तौर पे ठीक नहीं रहे, तो ये कैसे हो सकता है असली से अच्छा। तो उस वक्त हमने ये सिलसिला शुरू किया जो आज आप देख रहे हैं, कि हमने कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करनी शुरू की,
हमने अपनी गाड़ियां बनाई, एक तरफ परकन का माल, एक तरफ एटीएस का माल, और अपने बंदों को पढ़ा कर भेजा कि लोगों को जाके ईद की सफात बताओ। हमारे मैकेनिक, हमारे बोरिंग हाउसेस वाले, अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे बेहतरीन मैकेनिक और बोरिंग हाउसेस वाले पाकिस्तान को दिए हैं, इस वजह से कि बगैर किसी तलीम के, बगैर किसी किताबों को पढ़े, उन्होंने इतना ज़बरदस्त, और ख़ासकर उन मशीनों से ये मशीनिंग करते हैं जो मशीनें खुद जिनके सारे हिल रहे होते हैं, उनसे ये एक्यूरेसी पैदा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास देन है पाकिस्तान पे कि अगर हम बम बना सकते हैं तो सोचें हमारे अंदर क्या दिमाग है। आजकल हम जहाज़ बना रहे हैं तो हम चीज़ें क्यों नहीं बना सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अपने लोगों को गाड़ियों में भेजा, कॉन्फ्रेंसें शुरू की आहिस्ता आहिस्ता। पहली, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस मैंने की थी 100 लोगों की, और मुझे समझ नहीं आती थी कि उन 100 लोगों के सामने मैं कांप रहा था कि कैसे बोलूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी 2500-2500 लोगों को यूं बिठा देते थे जैसे लोग यूं बच्चे बैठे होते हैं खामोश होके। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने इस तरह शुरू किया। इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है वो है नंबर 2, सबसे बड़ा कैंसर है नंबर 2। हमने वो रास्ता नहीं अपनाया कि अपनी चीज़ों को बनवाएं, चाहे अच्छा ही बनवाएं, और उनको परकन में और असली में डालें और दें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैं वो काम करता तो शायद परकन और मैसी फर्गूसन से अच्छा माल आपको नकल में भी देता, लेकिन नहीं, वो रास्ता हमने नहीं अपनाया। अगर अपनाया होता तो जैसे आज गोल्ड फौत हो गया, जैसे आज परकन फौत हो गया, इसी तरह आज हम भी फौत हो गए होते नकल में ही। लेकिन अल्लाह ताला ने एटीएस को इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि हर आने वाले दिन हमारा ग्राफ चढ़ है। आप सोचें कि मिल्लत ट्रैक्टर मिल, ये मैं ये एटीएस का कद मैं आपको बताने लगा हूँ कि एटीएस का कद कितना बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ, एटीएस अल्हम्दुलिल्लाह 32 मुल्कों में माल जा रहा है हमारा, 32 मुल्कों में। अभी आपको इधर दिखाएंगे, 32 मुल्कों में, कीनिया में, यमन में, कुवैत में, इराक में, सिंगापुर, कई मुल्कों में हमारा ये माल जा रहा है अल्लाह के फजल से। ये फर्म कोई पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, 32 मुल्कों में। और जहाँ जहाँ एटीएस गया, खुदा की कसम हमने परकन को उस मुल्कों में से निकाल दिया, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हर एतबार से अच्छी है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपको अभी मैं बताता हूँ, कि आप सोचें पाकिस्तान, हमने जिस काम में हाथ डाला अल्लाह ने हमें उसमें बड़ा ही नवाजा। मिल्लत ट्रैक्टर में गया तो मिल्लत का सबसे बड़ा डीलर बना, मैसी फर्गूसन में गया तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बना, टोटल कंपनी सबसे पहला पाकिस्तान का टोटल का पेट्रोल पंप मैंने बनाया, सबसे पहला टोटल का पेट्रोल पंप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया। जिस तरह भी हम गए हैं, जिस जगह भी हम गए हैं, हमने अरूज, उसके बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जनरेटर की सबसे बड़ी फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। मिल्लत जनरेटर बनाता था, जब से हमने जनरेटर बनाए हैं उनके जनरेटर जो है वो हमारे मुकाबले में बहुत बेचारे कम तर नज़र आते हैं। तो आहिस्ता 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 उन्होंने बनाने कम कर दिए। 4,500 जनरेटर बनाते थे, इस वक्त वो सिर्फ 450 बना रहे हैं, लेकिन जल्द वो भी छोड़ देंगे। उसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता चलना चाहिए एटीएस कौन है। 385-375 में जो सिलेंडर ब्लॉक लगता है वो मेरा है, जो हेड लगता है वो मेरा है, जो क्रैंक लगती है वो मेरी है। आप सोचें कि उस इंजन का 70% ब्लॉक, क्रैंक, हेड मेरा है, तो कितनी बड़ी कंपनी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, अगर ब्लॉक,
हेड क्रैंक ले रही है, तो हमारा अंदाजा लगाएं कि हम कौन है जो मिल्लत ट्रैक्टर को ब्लॉक हेड और क्रैंक दे रहे हैं। इससे आपको हमारे कद का अंदाजा होना चाहिए कि हमने कैसे किया। अब मैसी फर्गुसन बेडफोर्ड में, यहां पे लोग बैठे होंगे, अब वो मेरी बात को गवाही देंगे, दिल में चाहे दे दें कि बेडफोर्ड में हमारे इंजन वाल और हमारे रिंग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं और सबसे ज्यादा डाले जाते हैं। अगर मैं कहूं कि 80% बेडफोर्ड गाड़ियों में ATS का रिंग और ATS का वाल डाला जाता है तो गलत नहीं होगा, टेपर्ड गाइड ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसके बाद माजदा में ATS जा रहा है, सुजुकी में जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 40,000 टावर है, टावर जो टेलीफोन वालों के टावर लगे हुए जगह जगह, बूस्टर जिनको कहते हैं, हर टावर के नीचे एक जनरेटर है। और ये 40,000 जनरेटर है जिनके अंदर मिट्सुबिशी भी है, जिसके अंदर कबूटा भी है, लिस्टर पीटर भी है, जिसके अंदर कमिंस भी है, जिसके अंदर परकिन भी है, और ये इस तरह के 21 जनरेटर हैं जो इन 40,000 टावरों के नीचे लगे हुए हैं। उन 21 जनरेटरों का पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ATS के पार्ट्स जा रहे हैं। और ATS के पार्ट्स की मैं अब आपको एक मिसाल दूं कि एक जमाना था कि टावर वाले कहते थे कि अगर परकिन का माल ओवरहॉलिंग में नहीं डालोगे, अपने जो सर्विस वाले हैं उनको अगर नहीं डालोगे तुम्हें बिल नहीं देंगे हम। आज ये हालत है कि कसम खा के कहता हूँ, वो कहते हैं कि अगर ATS का माल नहीं डालोगे तो तुम्हें हम पेमेंट ही नहीं करेंगे। 95% ATS का माल इन सारे इंजनों में, कपूटा, लिस्टर पीटर, मित्सुबिशी, इन सब में ये डाला जा रहा है। तो आप सोच लें कि इसका, फिर हमने फैक्ट्री बनाई पावर बीन के नाम से, आपके सामने जनरेटर पड़ा है, आपने खोल के देखा है। कोई जनरेटर मुझे दिखा दे पाकिस्तान में इतना खूबसूरत या इतनी क्वालिटी का। और पाकिस्तान में स्वाय मिल्लत के मिल्लत हमारे मुकाबले में बहुत छोटी होगी जनरेटरों में, ट्रैक्टर में नहीं मैं कह रहा, जनरेटर में बहुत छोटी है। अगर कोई एक फैक्ट्री आप में से कोई खड़ा होके कह दे कि हमारे अलावा जनरेटर फैक्ट्री कोई और है, तो मैं आपको फिर इनाम देने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ वादा करता हूँ, आप मुझे चाहे बाद में फ़ोन करके बता दीजिए जी वहाँ और भी कोई जनरेटर फैक्ट्री, पाकिस्तान में वाहिद बड़ी जनरेटर फैक्ट्री एक है, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, नादरा को, ये देखें ये फैक्ट्री, ये हमारे इंजन है, आर्मी को, एयरफोर्स को, नादरा को, बैंक ऑफ पंजाब, मिजान बैंक, PRA, मैं कहता हूँ नाम ले किसको हम जनरेटर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दे रहे, MCB को। तो आप हमारा इंजन देखें, आप किसी वक्त मिल्लत के बाहर से गुजरे, उनका डिस्प्ले बना हुआ है, उसके अंदर उनका इंजन देखें और हमारा इंजन देखें। अगर 1,000 आदमी में एक आदमी कह दे कि उनका इंजन हमारे करीब भी आता है, करीब अच्छा नहीं, हमारे करीब भी, तो आप जो कहेंगे मैं आपको देने को तैयार हूं। इस इंजन को देख के कोई नहीं कहता ये पाकिस्तानी बना है। अब एक और मैं आपको बात सुनाऊं कि हमारी जब बड़ी एग्जीबिशन होती है पाकिस्तान लेवल की, तो सारी दुनिया के लोग आते हैं, मिल्लत भी वहां अपना बूथ लगाती है, हम भी लगाते हैं, तो हमारे इंजन पड़े हुए थे, तो इंग्लैंड से मैसी फर्गुसन वाला गोरा आया हुआ था। तो चूंकि मैं 20 साल मैसी फर्गुसन का डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूं, सारे मेरे दोस्त हैं, तो चेयरमैन मिल्लत और वो मेरे बूथ पे आए और इंजन देख रहे थे, तो गोरे ने जानबूझ के शरारत की, उसने उसकी चेयरमैन की बगल में से निकल के कहता है ये इंग्लैंड का, ऐसे रख के कह रहा मैंने बनाया। तो मैं बड़ा ही हंसा, मैंने उसे कहा तूने आज मेरा दिन बना दिया ये बात कह के कि ये इंग्लैंड का, मैं कहा तूने मेरा, मैं कहा व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, मैं कहा तूने आज ऐसा मेरा दिन बना दिया, क्या मुझे नींद ही नहीं आनी कि हमारी चीज़ इतनी अच्छी है कि तेरे जैसा बंदा भी कह रहा है कि ये इंग्लैंड का। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से
पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हम इस वक्त दे रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आप अपने ट्रैक्टर के अंदर जो चीज़ें परेशान कुन साबित हुई हैं पिछले दिनों में, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो मिल्लत का अपना चूहा पंप, जो स्टैंडर्डाइन का पंप था, वो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि ब्लॉक की टोपियाँ टूट जाती थी, ब्लॉक फट जाता था और बड़ी खराबियां पैदा होती थी। दूसरी चीज के पिस्टन के साइजेस चेंज ना करें। सारे बोरिंग हाउसेस वालों को कहूंगा कि शायद आपके लिफाफों में हमने पिस्टन के साइजेस डाले होंगे। मैं 20 साल मैसी फर्गुसन का डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूं, 20 सालों में आज तक कभी किसी ने नहीं कहा जी कि इसका साइज ये नहीं, ये होना चाहिए। पिस्टन का साइज किताब में एक है, उसको बदलना नहीं चाहिए, वरना फिर कोई नहीं पता चलता किसको क्या गया, किसको क्या नहीं हुआ। मैसी 135, 240, 3 इंच, 596 इसका साइज है, 3 इंच 596 इसका आउटर बोर साइज है, 3 इंच 596। जो 265 है वो 3 इंच 872 है, जो 375 है, 385 वो 3 इंच 874 है, जो 3 रिंग वाला है वो 875 है, जो 4 रिंग वाला है वो 74 है। हाँ जी, तीन इंच वाला जो है वो 3 इंची 975, 4 इंच वाला जो चार झरी वाला वो 3 इंची 974, और जो 5 वाला है वो 3 इंची 972 या 73। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इसको अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक दूसरा क्रैंक कभी नीचे से ना डालें। जो शख्स हमारे पास आता है और वो कहता है जी क्रैंक दे दें, हम उसे पूछते हैं क्रैंक बाकी सामान क्यों नहीं ले रहे, वो कहता है जी वो हमारी क्रैंक टूट गई, हमने नीचे से, हम कभी उसे क्रैंक नहीं देते, चाहे जो मर्जी कर ले। हम उसे कहते हैं जहाँ से मर्जी ले लो, हम तुम्हें क्रैंक नहीं देंगे। तो मैं आपसे भी, बोरिंग हाउसेज वालों से, मैकेनिकों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्रैंक कभी नहीं टूटती। क्रैंक हमेशा तब टूटती है जब मेन लाइन ठीक नहीं रहती। तो 4-5 हज़ार की खातिर क्रैंक कभी नीचे से ना डाले, वरना वो टूटती ही रहेगी। फिर आप उसको सारे को खोलेंगे, देखेंगे, मेन लाइन ठीक करवाएंगे और वो हो जाएगा। एक और चीज़ बोरिंग हाउसेस वालों से दरख्वास्त करूँगा कि खेतों में और वर्कशॉपों में जाके बोर ना करें। खड़े ट्रैक्टर की खेतों में वर्कशॉपों में जाके होनिंग ना करें, वो जहर है। ये एक सतह जो है वो शीशे की तरह होनी चाहिए सतह, वो जरा सी भी ऐसे ऐसे भी ना हो और बिल्कुल सीधी हो, उस पर ब्लॉक रखे, उसकी होनिंग करें, तो फिर वो ब्लॉक जो है वो चलेगा। तो अगर आप जैसे खेतों में जाके जी कह देते हैं कि जी आ जाए जी आप इधर इसको कर दे, वो भी गलत है। वर्कशॉपों में जाके भी कभी होनिंग ना करें अगर आप इसका। एक और बात है टाइमिंग का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है टाइमिंग की, कि आप गरारियाँ जो है उनका टाइमिंग सेट नहीं करते। और कई लोग हमारे पास आते हैं पिस्टन लेके, ओ जी ए पिस्टन दे उत्ते देखो ए पिस्टन ख़राब हो गया, हम उसके ऊपर देखते हैं या एग्जास्ट का वाल का निशान बना होता है या इनलेट वाल का निशान पूरा बना होता है ठीपा उसका, एग्जास्ट वाल का पूरा निशान बना हो तो केम शाफ्ट रिटायर है, अगर इनलेट का बना हो तो केम शाफ्ट जो है वो एडवांस है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आधे केसेस हमारे पास आते हैं कि वाल अभी अंदर पूरा नहीं जाता,
हेड के अंदर पूरा नहीं जाता, पिस्टन जाकर उसको पीछे से पड़ता है, तो वो उसकी टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं है। तो टाइमिंग ठीक ना होने की वजह से मैंने आपको बता दिया है कि अगर एग्जॉस्ट वाल का निशान बना हुआ है तो कैमशाफ्ट रिटायर है, और जब किसी पिस्टन के ऊपर इनलेट का निशान बना हो तो फिर वो एडवांस है आपकी कैमशाफ्ट। इसके बाद बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर छोटा एयर क्लीनर लगा हुआ है, छोटा एयर क्लीनर जो है उसको चेंज करके बड़ा एयर क्लीनर लगाए। नंबर वन, जिसके ऊपर टर्बो चार्जर लगा हुआ है वो तो समझे जहर है उनके लिए, जिसके ऊपर टर्बो चार्जर लगा हुआ है और आप उसके ऊपर छोटा एयर क्लीनर लगाएं, उससे बड़ा जहर कोई नहीं है। तो जिनके पास 260 ट्रैक्टर है वो गलती से मिलर ट्रैक्टर से गलती से एयर क्लीनर छोटे लग गए हुए, उनको चेंज करें। इसके बाद मोबिल ऑयल, बहुत बड़ी चीज़ है मोबिल ऑयल, आप मोबिल ऑयल वक्त पे बदलें, वक्त पे चेक करते रहें। और एयर क्लीनर का जो मोबिल ऑयल है ख़ास तौर पे हर 15 दिन के बाद उसको चेंज करें, और अगर आप उसको चेंज करते रहेंगे तो आपका इंजन आपका ट्रैक्टर महफूज रहेगा, वरना वो आपको थर्मोस्टेट, नया ट्रैक्टर आता है आते साथ आप थर्मोस्टेट उतार देते हैं। आपको पता नहीं मैं कि क्यों थर्मोस्टेट को उतारा जाता है। थर्मोस्टेट एक ऐसा पुर्जा है कि जब आपका ट्रैक्टर हीट अप होता है यानी गर्मी की तरफ जाता है, हद से ज़्यादा गर्म होता है, तो थर्मोस्टेट खुलता है और उसका पानी जो है वो रेडिएटर की तरफ और वाटर बॉडी की तरफ कर देता है कि वो वहाँ जाके ठंडा हो। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी ठंडा हो रहा हो, गर्म होने से ठंडा होना पानी ज़्यादा बदतर है, कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर ठंडा पानी हो जाए या इंजन ठंडा हो जाए तो वो भी बहुत ख़तरनाक है। तो उसमें वो पानी को इंजन और हेड की तरफ भेज देता है। हम जाते साथ पहले दिन थर्मोस्टेट निकाल देते हैं। थर्मोस्टेट गोरे ने किस लिए बनाया, उसका कोई मकसद है? उसका मकसद है कि वो जैसे इसबगोल खा लेना तो वो कब्ज को रफा करता है, अगर आपको अगर ज़्यादा जुलाब आ रहे हैं तो उनको भी ठीक कर देता है, वो दरमियान में ले आता है इसबगोल। इसी तरह ये थर्मोस्टेट है कि अगर गर्म ज़्यादा है तो वो ठंडे की तरफ ले जाएगा, ठंडा ज़्यादा है तो वो गर्म की तरफ ले जाएगा। तो इसको आप करें, कभी भी थर्मोस्टेट ना निकालें। फैन बेल्ट, हर रोज़ ट्रैक्टर चलाने से पहले फैन बेल्ट को यूं करके देखें, अगर वो बैंजो की तरह यूं कर रहा है तो उसकी कसाई करें। अगर आप उसकी कसाई नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको नज़र आएगा कि फैन बेल्ट चल रहा है, वो आधा चल रहा है आधा नहीं चल रहा, वो वाटर बॉडी के चक्कर आधे लेगा आधे नहीं लेगा, मिस कर रहा होता है। हर रोज़ ट्रैक्टर चलाने से पहले उसको चेक करें फैन बेल्ट को, अगर वो फैन बेल्ट ढीला है यू हो रहा है तो फौरी तौर पे उसको जाके कसवाई करवाएं, वरना वो ये होगा कि वो आपको नज़र आएगा चल रहा है लेकिन वाटर बॉडी के आधे चक्कर कर रहा होगा आधे नहीं कर रहा होगा, और उससे ये होगा कि वो बर्बाद हो जाएगा। पिस्टन, आप 385 का पिस्टन 3 रिंग का निकाल के 5 रिंग का डाल रहे हैं, पिस्टन आप 260 का 3 रिंग का निकाल के 5 रिंग का डाल रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं, खुदा के लिए ये जुल्म है, जिम्मेदार के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, मशीन के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। क्या जुल्म है? जब आप 3 इंजन का पिस्टन बदल के 5 रिंग का 135 का डालते हैं तो उसकी 12 हॉर्स पावर ताकत कम हो जाती है, 260 240 बन जाता है, 260 240 बन जाता है।
मुझे बताएं उस जमींदार का जिसने 263 लाख रुपया महंगा खरीदा, उस बेचारे का क्या कसूर है जिसका रातों रात आपने पिस्टन पकड़ के और 5 रिंग का डाल के उसकी हॉर्स पावर कम कर दी, वो उतनी ईंटें उतना वजन डाल के ट्रैक्टर तबाह करके बैठ। 385 आप 3 रिंग निकाल के 5 डालते उसकी 20 हॉर्स पावर कम हो गई। यहां वो 265 का ट्रैक्टर खरीद ले तो 4 लाख रुपए उसका बचता है, आपने उसका 385 रात रात में 265 बना दिया और वो बेकार हो गया। और लेकिन उसको नहीं पता बेचारे को कि मेरी ट्रैक्टर की ताकत कितनी कम होगी, वो उतना ही वजन लेके जाएगा और कुछ ना कोई खराबी पैदा कर दे। अब सुने मेरी गौर से बात, हमने आप लोगों की बड़ी खिदमत की है, हमने चूंकि हम नकल नहीं मारते, हम नकल नहीं करते, इसलिए अल्लाह ने दिमाग दिया है। अगर नकल करते नकल तक रह जाते। मैं आपको पिस्टन दिखाना चाह रही हूं, ये देखे, ये 260 का पिस्टन है, 260 का पिस्टन, इसमें 4 रिंग है, 3 रिंग नहीं 4 रिंग है, टॉप रिंग जो है ना इसका वो टेपर है, टॉप रिंग टेपर है, और ये ऑयल रिंग चौथा ऑयल रिंग है। ये पिस्टन डालने से, अच्छा आप सुने, 135 ये 135 का पिस्टन है, इसको यहां से नापे, इसको यहां से नापे, यहां से नापे, यहां से नापे, 6000 ओवेलिटी है, बैजापन, ओवेलिटी को कहते हैं बैजापन, 6000 की इसकी ओवेलिटी है, 6000 जो 260 का दिखाना था, 260 ये 260 जो है इसकी ओवेलिटी 28 है, इसकी 6 है, इसकी 28 है। ये इसलिए इसकी ओवेलिटी ज्यादा रखी गई है कि ऊपर टर्बो है, टर्बो ने हवा को सक करना है ऊपर, तो इसको उन्होंने इसको कम किया कि हवा तेजी से ऊपर जाए। आप उसको ये वाला पिस्टन डाल देते हैं ऊपर, 5 रिंग डाल देते हैं, वो टर्बो भी उड़ जाता है क्योंकि वो हवा सक नहीं कर सकता। अब हमने आपको ये पिस्टन, मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में मैं पहला आदमी हूँ, चले ये भी कोई दूसरा ढूंढ दे, आपको 1 लाख रुपए इनाम। ये मैंने आपको पिस्टन दिया और 1000 पिस्टन मैंने मंगाया था, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिक गया। फिर हर बोरिंग वाले का फोन आया, ओ जी 4 रिंग वाला पिस्टन दो, ओ जी 4 रिंग वाला। अब हमारी दूसरी कंसाइनमेंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वेयर हाउस पर पहुँच गई है, इस दफ़ा ज़्यादा आए हैं। ये 4 रिंग है, इसकी ओवेलिटी ये नहीं है कि इस तरह 6 की वैलिटी और ऊपर 4 रिंग चढ़ा, नहीं, इसकी 28000 वैलिटी है, 4 रिंग है। ये मोबाइल जो है नहीं खाएगा और पावर पूरी की पूरी 60 हॉर्स पावर इसकी होगी। इसको आजमा के देखे, बदकिस्मती ये है कि आपके पास कोई पैमाना नहीं है कि आपका आज 385 खुला है, दूसरे दिन उसको आपने 5 रिंग डाले, वो 60 हॉर्स पावर 65 हॉर्स पावर का रह गया, 20 हॉर्स पावर उसकी गई, आपको कुछ नहीं पता, आपके पास कोई पैमाना नहीं, कैसे नापेंगे। एक ही तरीका है कि एक ट्रैक्टर में 5 रिंग डाले पिस्टन और एक में 3 रिंग डाले, उन दोनों को बांधे, देखे कौन किसको घसीट के ले जाता। बदकिस्मती यह है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है उसकी ताकत को जमाने का, आप इसकी ताकत कितनी रह गई है। तो 260 के लिए आज के बाद ये पिस्टन इस्तेमाल करें, 4 रिंग वाला और बिल्कुल 260 की बैजापन वाला, इससे इंशाल्लाह ये तेल नहीं खाएगा और इसकी हॉर्स पावर भी पूरी रहेगी, जिम्मेदार का भी बेचारे का नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ताला से वो आपके लिए दुआ भी करेगा।
और एक और बात मैं बताऊं, जिस इसके अंदर टर्बो इंजन है 260 में, मुझे आप सारे बैठे हुए बोरिंग हाउसेस वाले बड़े बड़े माशाल्लाह इधर हैं, मुझे कोई एक बता दे कि टर्बो इंजन के अंदर उन्होंने कभी 5 रिंग देखे हो। मैं इसकी नहीं बात कर रहा, किसी जनरेटर का इंजन कर ले, किसी का कर ले, मुझे साबित कर दे कि टर्बो इंजन के अंदर किसी ने 5 रिंग देखे हो। देखे जिस जमाने में 5 या 6 रिंग डाले जाते थे, तब 400 केवीए का इंजन 60 लीटर डीजल खाता था, 60 लीटर डीजल खाता था। आज वही इंजन 20 लीटर खाता है और ताकत भी ज्यादा है। ये आपको इंशाल्लाह ताला हम जो चीजें बता रहे हैं ये आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा, ना किसी ने सीखा है, ना किसी को सीखने की जरूरत है। आप ATS पर इत्मीनान करें। अब मैं एक एक करके चीजों की तरफ आता हूं कि ये पिस्टन, इसके अंदर ये स्टील कैरियर रिंग है, इस पिस्टन के अंदर ये जो 135 का है ये स्टील कैरियर रिंग है। आप में से कोई आदमी, दुकानदार, बोरिंग वाला, कस्टमर उठ के कह दे कि ATS से पहले आज तक दुनिया में, पूरी दुनिया में, चाहे गोल्ड्स ले ले, हैपोलाइट ले ले, कोई KS ले ले, कोई ब्रांड ले ले, आज तक दुनिया में मैसी का, मैं और गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, हीनो, सीजो, निशान, मजदा, मर्सिडीज, उनकी बात नहीं कर रहा, मैसी ट्रैक्टर में अगर मुझे कोई दिखा दे, एक बंदा उठ के कह दे कि आपसे पहले ऐसा पिस्टन कोई आया था, ये जो स्टील कैरियर वाला, ये स्टील कैरियर रिंग पूरी दुनिया में सबसे पहला स्टील कैरियर मैंने मुतारफ कराया। इसके अंदर स्टील स्कर्ट है, लोहे की पत्री है यहाँ पे, ये इसी तरह जैसे लेंटर डाला जाता है, ये पिस्टन को पकड़ती है, जब हीट अप होता है तो इसको बाहर फूलने नहीं देती, इसको सीज होने से बचाती है, ये जो इसके अंदर स्टील स्कर्ट है। और ये जो है 5 साल चलेगा, 5 साल, और 5 साल चलने के बाद भी इस रिंग की वजह से खराबी नहीं होगी, वरना क्या होता था, ऊपर से आग पड़ती थी, ये अल्मोनियम है, और जब ये अल्मोनियम इस पे आग पड़ती है, जितना मर्जी कीमती अल्मोनियम हो, जब आग पड़ेगी वो शक्ल बदल लेता है, और ये रिंग ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाता था। ये जर्मन ने जंगे अजीम दोम में, ये जर्मन ने इजाद निकाली थी, जब उनके सारे ट्रक 2 दिन मुसलसल भागे तो सारे के सारे बैठ गए, तो उन्होंने अंदर से खोला तो 80% गाड़ियां सिर्फ इस रिंग की वजह से खुली थी, फिर ये इजाद हुई। लेकिन ये महंगी है। जिस दिन मैंने ये अनाउंस किया कि मैं ये पिस्टल लाऊंगा, उन्होंने कहा तुम्हारा एक भी नहीं बिकेगा, जितना महंगा ये है। आज अल्लाह के फजलो करम से ये ड्यूड़ा महंगा है दूसरे पिस्टन से, सफ़ेद से, लेकिन 100 में से 80 ये बिकते हैं और 20 सफ़ेद बिकते हैं। तो ये आज तक ये सोचे कि ये कहाँ से आया, ये मेरे जहन में आया कि हीनो में ये है, सीजो में है, निशान में है, मर्सिडीज में है, माजदा में है, हमारा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा इसलिए नहीं है कि ये महंगा है, कोई नहीं लेगा। मैं कहा अच्छा, अल्लाह तो कल हम देखते हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से ये हुआ। दूसरा, आप परकन का कोई पिस्टन देख लें, मुझे दिखा दे जिसके अंदर ये पिन के साथ स्टील की पत्रियाँ हों, ये इसको स्टील स्कर्ट कहते हैं, ये जो भी मैंने बताया कि ये पिस्टन को पकड़ के रखती हैं, सीज नहीं होने देती। तीसरी चीज ये आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब इनका जो पिस्टन है ना उसके अंदर खोरे हैं, इन्होंने ऊपर रंग करवा दिया है। ये रंग नहीं है, ये ग्रेफाइट फॉस्फेटेड है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या चीज है, ग्रेफाइट है सॉलिड मोबिलाइल, सॉलिड मोबिलाइल, ये चीज सॉलिड मोबिलाइल है। ये जब तक रनिंग होती है आपके इंजन की रनिंग, तब तक ये मोबिलाइल का काम करता है, इसको कहते हैं सॉलिड मोबिलाइल, ये मोबिलाइल का काम करता है। 2-3 जब आप
इसको वो तेल बदलाएंगे दो तीन दफा तो ये सफेद की सफेद निकल आएगा नीचे से, ये सारा ऊपर से उतर जाएगा आपकी रनिंग के बाद। जब आपका इंजन रनिंग हो जाएगा तो ये उतर जाएगा दो तीन तेल बदलने से, तो लोगों को पता ही नहीं। अच्छा अब आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछता हूं ये पिस्टन किस चीज का बनता है, कोई मुझे बताए किस चीज का पिस्टन बनता है? ये एल्युमिनियम का है, लेकिन अगर इसमें सिलिकॉन ना हो ये चल ही नहीं सकता। तो सिलिकॉन महंगी होती है, उसकी रेशो लोग कम डालते हैं, इसमें 18% सिलिकॉन डाली गई है, 18%। आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि जनाब इसमें एल्युमिनियम के साथ सिलिकॉन भी डलता है। तो जनरेटर जो है उसमें 23% डलती है सिलिकॉन, और ट्रैक्टर में जो है ये 18% डलती है। तो ये पिस्टन जो है ATS का पिस्टन 18% सिलिकॉन के साथ बनाया जाता है। ये चीज़ें देखें, सिलिकॉन मैंने बताया, ये इसको आल्फिन कहते हैं, ये स्टील कैरियर रिंग कह रहे हैं, ये वाला स्टील कैरियर रिंग या आल्फिन रिंग, आल्फिन पिस्टन, अंदर वाला स्टील स्कर्ट, ये ग्रेफाइट, कभी ये चार चीज़ें ना किसी ने बताई, ना किसी ने से आपने आज तक जिंदगी में सुनी होगी। ये सिर्फ ATS आपको बता सकता है, और ATS में ही है, ना हेपोलाइट, ना KS, ना माले, ना किसी और में ये चीज़ आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये बड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कस्टमर खरीदता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये खरीदता है। अब ये वाल ले लें, अब वाल पे आते हैं। अब मैं फिर एक सवाल पूछूंगा आपसे, ये वाल, अब मैं इसमें अक्सर सवाल करता होता हूं कि जब आप मैकेनिक के पास, बोरिंग हाउस वाले के पास अपना हेड लेके जाते हैं तीन सिलेंडर का, तो कितने वाल लेके जाते हैं? और अगर चार हो तो आठ हो, सोलह क्यों लेके जाते हैं? हैं जी, ये आज मैं अपने ट्रैक्टर मैकेनिक भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि आइंदा से ATS के वाल आपने सिर्फ दो लेके जाने हैं, आप 16 नहीं लेके जाएंगे, 8 नहीं जाएंगे, 6 नहीं जाएंगे। अगर दो वाल पे आपका हेड तैयार नहीं होगा, मैं हेड आपको फ्री दे दूंगा। देखे आप क्यों लेके जाते हैं उसका जवाब मैं देता हूं। आपकी ये जो डिग्री है, ये इसका साइज एक सा नहीं होता। 1,00,000 वाल निकाल लें, उसकी सीट में फर्क निकाल दें, मैं आपको 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा। 1,00,000 वाल में, मैं बोरिंग हाउसेस वालों को चैलेंज करता हूं कि 1,00,000 वाल मेरा ATS का ले लें, चाहे वो बेडफोर्ड का है, चाहे वो बेलारस का है, चाहे फोर्ड का है, चाहे फीएट का है, तो मैं 1,00,000 रुपया इनाम देने को तैयार हूं। जिसका वाल सही नहीं आएगा वो जो है, वो जिसका बाल है उसको मैं हेड भी फ्री दे दूंगा। आप यकीन करें इतनी एक्यूरेसी आज तक पाकिस्तान में किसी वाल में नहीं, नंबर वन। इसकी अब मैं सिफतें आपको बताता हूं। देखिए जितनी बातें मैं कर रहा हूं ना, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टेक्निकल भी हैं, और आप मेरे से बहुत बहुत सुपीरियर लोग हैं, क्योंकि आपका टेक्निकल तजर्बा बहुत है। अब मैं आपको बताने लगा हूं इसकी सिफतें, देखें जरा एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसका आता है मटेरियल,
इसका मटेरियल मैं बोरिंग हाउसेज वालों को बता दूं कि इनलेट वॉल जो है, आज तक पाकिस्तान में किसी दुकानदार को अगर ये पता होगा कि इनलेट में कौन सा मटेरियल, एग्जास्ट में कौन सा मटेरियल, तब भी आज मैं इनाम दे के ही जाऊँगा। मुझे कोई खड़ा होकर आज बता दे कि इनलेट को क्या मटेरियल लगता है और एग्जास्ट को क्या मटेरियल लगता है, नहीं तो लिख ले कि इनलेट वाल जो है उसमें EN18D मटेरियल लगता है, एग्जास्ट वाल में EN52 लगता है, और जो टू पीस वाल है उसमें 21-4L और EN52 लगता है। अब मैं आपको बताऊं, ये हो गया मटेरियल। अगर मार्केट में आपको EN18D और EN52 मटेरियल के इनलेट एग्जास्ट मिल जाए, तब भी आपको 1,00,000 रुपये इनाम, नंबर वन। नंबर टू, ये वाल की डंडी जो है, यहाँ से ये वाल की डंडी क्रोम है, ये वाल की डंडी क्रोम है, जब इस पर गाइड चलता है तो जितना निशान साल के बाद इस पर पड़ेगा उतना एक महीने में दूसरे वाल पे पड़ जाएगा। इसकी क्रोम डंडी है, ये हार्ड है, ये यहाँ से जो है इसके ऊपर निशान नहीं पड़ता। तीसरी चीज़, ये यहाँ पे एक आप देखें, यूँ पंबीरी सी है, इसको कहते हैं स्पाइरल फिनिश, पंबीरी स्पाइरल फिनिश। यहाँ पे खूबसूरती के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि यहाँ पे हवा ना रुके और तेज़ी से गर्म हवा बाहर निकल जाए। और आप देखें कि दूसरे वालों पे यहाँ पे कोयला बन जाता है, कोयला इकट्ठा होता है, यहाँ पे इस पे कोयला इकट्ठा नहीं होगा, इस पे फौरन हवा गर्म होकर बाहर निकलेगी, कोयला इकट्ठा नहीं होगा। उसके बाद चौथी चीज़, मैंने आपको सीट की बता दी कि इसकी सीट 1,00,000 वाल निकाले इसकी सीट एक जैसी होगी। इसके बाद अब मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊं, बोरिंग हाउसेज वाले मैकेनिक भाई ये ना समझें कि हमारे पास वाल नहीं है तो हम इसलिए उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये जो वाल है, यहाँ से लोग यहाँ से ओवर साइज वाल पसंद करते हैं, ओवर साइज सीट कह लें, ओवर साइज सीट पसंद करते हैं। जब हमारा ATS का वाल आया तो मैंने लोगों से कहा कि 5 सिफ्ते हैं मेरे वाल में, मटेरियल भी अच्छा है, क्रोम भी है, स्पाइरल फिनिश भी है, इसके साथ के सीट की भी ये नहीं है, फिर 100 में से 60 ये बिकते हैं, 40 क्यों दूसरे बिकते हैं? तो उन्होंने कहा जनाब 40 इसलिए बिकते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड सीट है, वो ओवर साइज सीट पसंद करते हैं। अब मैं अपने मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैंने उससे जाके कहा मुझे ओवर साइज सीट वाल भी दो। उसने कहा नहीं। उसने क्या कहा? उसने कहा ओवर साइज सीट जहर है। मैं कहा क्यों? उसने कहा ये ओवर साइज सीट इसी तरह है जैसे किसी शख्स के फेफड़े में पानी पड़ जाए। उसने कहा जब किसी के फेफड़े में पानी डलता है तो क्या होता है? मैं कहा वो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो बेचारा को मेहनत का काम नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, सांस चढ़ जाए। कहता है 100% आपने ट्रैक्टर के फेफड़े में पानी डाल दिया। उसने कहा इसको इतना 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 भी कहो ये बेजान चीज़ है, ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब हमारे बदामी बाग में इतने बोरिंग हाउसेज वाले हैं, अगर उनको कोई जाके कहे ना, वो काम कर रहे होते हैं, क्रैंक ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो किसी ने कहा यार साढ़े ट्रैक्टर की आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो वो उधर मुँह नहीं करते, बगैर मुँह किए कहते जाओ ATS वाल पाओ ठीक हो जाएगी। अब मैं फिर वापस इधर आया, फिर लोगों ने मुझे कहा, मैं वापस गया, मैंने उसे जाके कहा अंग्रेज़ को, मैंने कहा मुझे तुम सीट दो, वो 25 ओवर साइज सीट है, मैं कहा वो 25 ओवर साइज की सीट डाल रहे हैं, तुम इतना कर दो, एक स्टैंडर्ड साइज दे दो, एक 15 दे दो, एक मुझे 25 दे दो, चलो जिसने थोड़ा जहर खाना है वो 15 वाला खा ले। वो जनाब, उसको मैंने कहा, उसने कहा तुम ये कर कह रहे हो? मैं कहा नहीं,
जहाँ पे दालें चावल चीनी पड़ी होती है, वहाँ नीला थोथा भी होता है, तो वो रखता है ना पंसारी, तो मैं कहा ये हम रखेंगे। फिर हमने ये वाल बनाया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं आप समझे कि मैं इतनी तकरीर कर रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है। ATS का वाल स्टैंडर्ड साइज, वो 25 का है उनका ओवर का, मेरा 15 भी है, मेरा 25 भी है। इसलिए आपको तीन चॉइसें मिल गई, स्टैंडर्ड सीट डालना है स्टैंडर्ड सीट डालें, 15 सीट डालना है 15 डालें, 25 डालना है 25 डालें, और इंशाल्लाह ताला आपको इससे अच्छा वाल कोई खड़ा होके कह दे कि इसमें कोई सिफ्त नहीं है जो किसी और में है, तो मैं इधर खड़ा हूं। अब ये देखे टू पीस है, ये देखे, अब गौर से देखे, मैं इधर थोड़ा सा हो जाता हूँ क्योंकि वो भाई सारे मुझे देख ही नहीं पा रहे यार, थोड़ा सा आ रही है पीछे। अब ये देखे ये वाल ये ATS का वाल है टू पीस, यहां पे ये मकनातीस नहीं लग रहा, यहां पे ये पकड़ रहा है, यहां ये मकनातीस को पकड़ रहा है, ये मकनातीस को नहीं पकड़ रहा। इसको कहते हैं टू पीस वाल। इसमें मैंने बताया था कि ये जो हिस्सा है 21-4N मटेरियल है और ऊपर वाला EN52 है। अब जो फ्रॉड हो रहा बाजार में जो फ्रॉड हो रहा है, वो कहते हैं जी अमजद साहब का वाल जरा है ना उन्होंने इतने नहीं लगता, इतने लगता, असी वाल लिया चंद तो ना उन्हों इतने मकनातीस लगता है तो ना इतने लगता। बात सुने, जो शख्स आपको ये वाल दे उसको बिठा के ना, मैं कोई गंदी बात नहीं कहूँगा, लेकिन उसको फेंटा जरूर लगाए। इसलिए कि अगर ये यहाँ से ये पता क्या है, एंटी मैग्नेट को मकनातीस नहीं लगता, ये नहीं लग रहा है, ये हमारा बाल जो नीचे है ये भी एंटी मैग्नेट है, लेकिन यहाँ टेपर्ड गाइड ने यहाँ हिट करना है। अगर ये इंडक्शन हार्ड नहीं होगा ये चल ही नहीं सकता। तो जो शख्स जिसको इतना इल्म नहीं, जिसको इतना पता नहीं, और वो इतना बेवकूफ़ का बच्चा है कि वो बेचारा ये ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगता, ऐसे नहीं लगता, वो साढ़ा किधर भी नहीं लगता, और कहो जी जरा तेरा किधर नहीं लगता, ये फ्रॉड वाल है। ये एक्चुअली पुराने वाल में से, इतने बड़े वाल में से जो पुराने हैं उसमें काट के बनाया गया, जब ऊपर से काटते हैं तो वो टिप कट गई, उसके ऊपर लोहे की टिप लगी होती है, टिप वेल्ड हुई होती है। अगर इस पर टिप वेल्ड करेंगे तो एक वाल जो है ना, एक वाल सेट के बराबर कीमत हो जाएगी। तो कोई आपको ये फ्रॉड करे कि देखो जी अमजद साहब के तो इधर नहीं लगती, हमारे दोनों तरफ नहीं लगती, उसको बिठा ले। और बोरिंग हाउस वाले बैठे हुए इतने इतने काबिल, उठ के कोई मेरी बात का जवाब नेगेटिव दे दे कि जनाब आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, ये टैपर्ड गाइड इसको उड़ा के रख देगा जब इस पे पड़ेगा। इसलिए आप सोचे, मटेरियल मेरे वाल का अच्छा, डंडी इसकी क्रोम स्पाइरल फिनिश, ये कि यहाँ से हवा निकले, और वाल सीट का मोटा होना 15-25, टू पीस वाल, एंटी मैग्नेट वाल। अब इससे अच्छा आपको वाल क्या कोई दे सकता है। इसके बाद आपको मैंने पिस्टन के बारे में बताया, अब हम रिंग के बारे में बताते हैं। लाओ भी रिंग लाओ। देखे, कोई चीज ऐसे नहीं करनी, कोई चीज भी हमने ऐसे नहीं करनी कि हम कहें जी हमारी अच्छी है और उसकी दलील ना दे सके। कट के देना है, ये देखे, ये इसको देखे, ये ATS का
रिंग है, ये परकन का है। ये एटीएस का। अब ये देखे, ये परकन का और गोइड्स का है, परकन का और गोइड्स का रिंग है। ये एटीएस का है। ये देखे, ये फर्क है। मैं कोई चीज आपको ये नहीं कहूंगा कि जी मेरी बड़ी अच्छी है और मैं आपको बता ना सकूं कि क्यों अच्छी है। आपने देखा कि कैसे परकन का, वो परकन का देगी रिंग बना हुआ है। ये एसजी आयरन का डिक्टाइल मटेरियल, जापान का डिक्टाइल मटेरियल, जापान का ये बना हुआ है और वो जो है वो देग का बना हुआ है। तो इसका जो ऑयल रिंग है, ये देखे, ये एटीएस का ऑयल रिंग का स्प्रिंग देखे जरा गौर से। ये स्टील रिंग होता है, ये देखे इसको, ये स्प्रिंग है, ये देखें, ये गोल्ड्स का है। ये हमने इसको बंद किया, ये खोला। तो ये चीजें जो है, ये हमारी जितनी चीजें होंगी उनमें साथ दलीलें भी होंगी। अब मैं आपको स्लीव के बारे में बताऊं, नहीं सॉरी, रिंग के बारे में एक और बात बता के जाऊं कि रिंग, अब सोचे हम अपनी चीज को हर रोज बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर करते हैं। अब हमारा ले जी, अगली कुरानदाजी के लिए मैं हमारे बड़े प्यारे मोहतरम भाई अडयाला रोड से इसरार भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं। तशरीफ़ लाएँ, अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी करें। इसरार भाई, ले जी, जो कुरानदाजी का कूपन इस वक्त मेरे हाथ में है, कूपन नंबर है 37। उस्ताद फाहद साहब हैं, फाहद ट्रैक्टर वर्कशॉप वाकेंड से। तशरीफ़ लाएं जी। जी, अगली कुरानदाजी के लिए, अच्छा मैं एक और तस्करा करता चलूं, अगर किसी भाई का मैं दानिस्ता तो नहीं, गैर दानिस्ता नाम भूल जाऊं तो महसूस ना कीजिएगा, क्योंकि वो कई बंदों के दोस्तों के, वैसे तो सारे ही बड़े प्यार वाले भाई हैं। टेक्सला से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं आमिर ट्रैक्टर टेक्सला से। मैं चाहूँगा कि अशरफ साहब या अलवी साहब जो भी तशरीफ़ लाए हैं स्टेज पे आएँ और अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी करें।
कूपन जो कुरानदाजी का मेरे हाथ में है 395, उस्ताद यूनस साहब हैं, फारूक खराद इंजीनियरिंग वक्स है, गौरी टाउन, तशरीफ लाएं जी उस्ताद यूनस साहब। ले जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला जी। अब अगली कुरानदाजी के लिए मैं दावत दूंगा टेक्सला से ही हमारे एक और भाई सरगुदा ट्रैक्टर पार्ट्स के नाम से, कामरान भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं, स्टेज पे आए अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी फरम। Friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then. जो कुरानदाजी का अगला कूपन मेरे पास आया, कूपन नंबर है 291, उस्ताद फरीद साहब हैं, बन्नू ट्रैक्टर वर्कशॉप सवा कैंप से, तशरीफ लाएं जी। I'm in love with your body. बहुत शुक्रिया जी। अगली कुरानदाजी के लिए मैं दावत देना चाहूँगा हमारे चौक पंडोरी से, अगर आतिफ आटो वाले तशरीफ़ लाए हुए हैं तो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, अगर चौक पंडोरी से आतिफ आटो वाले तशरीफ़ लाए हुए हैं तो वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मुझे मिले नहीं हैं वैसे प्रोग्राम में, मैं उनको देख नहीं पाया शायद मुझे, हाँ ठीक है, दोस्तों ने बताया कि नहीं आ सके। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगा अपने पिंडी के जो हमारे सीनियर और पुराने हमारे साथी हैं, जो इस कंपनी के माशाल्लाह पिलर्स हैं, मैं उनमें से हमारे जो भाई मौजूद हैं उनको बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हमारे सबसे बुज़ुर्ग और मोहतरम राजा ज़मीर साहब मौजूद हैं राजपूत आटो से, तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी करूँ। ये जो कूपन कुरानदाजी का निकला, कूपन नंबर है 48, बहराम ट्रैक्टर वर्कशॉप है, उस्ताद बहराम साहब हैं, फौजी मोड़, तशरीफ लाएं जी। ले जी, अगली कुरानदाजी के लिए मैं दावत देना चाहूँगा हमारे बड़े प्यारे भाई खालिद आटो से, खालिद साहब या मुनव्वर साहब जो भी मौजूद हैं तशरीफ़ लाएं, बल्कि दोनों भाई हैं जो भी हमारे पास तशरीफ़ लाएं खालिद आटो से, खालिद साहब जज़ाक। जो कूपन कुरानदाजी का आप मेरे हाथ में है इस वक्त, कूपन नंबर है 231, उस्ताद नवीद साहब हैं, नवीद ट्रैक्टर वर्कशॉप तरनौल फतेह जंग रोड से, तशरीफ लाएं जी। So
शुक्रिया जी खालिद भाई। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे बड़े मोहतरम जो ट्रैक्टर और जनरेटर दोनों फील्ड्स में हमें बहुत मोहब्बत देते हैं, हमारे ब्रांड को भी, और बड़ा एक बहुत मशहूर नाम है पिंडी रावलपिंडी मार्केट का, तारिक अज़हर आटो से। हाजी साहब किसी वजह से हाजी निसार साहब तशरीफ़ नहीं ला सके घर की मसरूफियात की वजह से, बरकरदार उनके जो हाशिम ट्रेडर के नाम से काम कर रहे हैं फैसल साहब, तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी फरमाएँ। तारिक अज़हर आटो से अगर फैसल साहब नहीं है तो उनके दूसरे भाई या कोई भी नुमाइंदगी में यहाँ बैठे हों तो मैं गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आएं। जी कूपन जो इस वक्त मेरे पास है, उस्ताद मुबशर साहब हैं सरगोधा ट्रैक्टर वर्कशॉप पत्थरगढ़ मार्केट हसन अब्दाल से, तशरीफ लाएं जी। जी बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दावत देना चाहूँगा कुरानदाजी के कूपन के लिए, चक्री रोड पे हमारे एक और बड़े प्यारे भाई जो सवार ट्रैक्टर के नाम से काम कर रहे हैं, अगर मौजूद हैं तो तशरीफ़ लाएँ जी। जी कूपन नंबर है 347, उस्ताद नज़ीर साहब हैं मलंगी ट्रैक्टर वर्कशॉप पीर बदाई अड्डा रावलपिंडी। जी अब मैं कूपन कुरानदाजी के लिए दावत देना चाहूँगा कहूटा से हमारे पास अल्लाह तवक्कल आटो से, अगर राजा हसन साहब मौजूद हैं तो तशरीफ़ लाएं या राजा हदायत साहब, इन दोनों में से। अच्छा जी राजा हसन साहब शायद खुद तशरीफ़ नहीं ला सके, मैं कहूटा से ही हमारे एक और बड़े प्यारे भाई हैं तबस्सम आटो वाले नदीम भाई, जो अगर मौजूद हैं तो तशरीफ़ लाएं। जी कूपन जो मेरे पास है इस वक्त, कूपन नंबर है 200, मिस्त्री वकास साहब हैं गोरखपुर अडियाला रोड से, तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया जी। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है, मुझे कुछ पता चला शायद बारिश का भी समय है और
दोस्त मुझे बता रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी वाइंड अप की तरफ जाएं, तो बस अब मैं चंद एक कुरानदाजियाँ हैं जिनको अब इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। हमारे बेड फूड की मार्केट के बड़े प्यारे बड़े मोहसिन, हमारे बहुत पुराना नाम मीरपुर आटो के नाम से खालिद साहब तशरीफ़ फरमाएं। मैं चाहूँगा कि अपने दस्ते मुबारक से आके कुरानदाजी का कूपन निकालें। जी कूपन नंबर जो इस वक्त मेरे पास है वो है 89 1 कम 90 89। उस्ताद जाहिद साहब हैं, जाहिद खराद इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, हरिपुर रोड अहाता। जनाब तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया जी। अब बेड फूड के हवाले से ही हमारे एक और बड़े मोहतरम अब्दुल्ला आटो वाले अगर मौजूद हों, खालिद भाई या कोई और उनके भाई मौजूद हों, तो स्टेज पे तशरीफ लाएं, अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी करें। खालिद भाई अब्दुल्ला आटो मुझे लगता है नहीं मौजूद। अच्छा जी, अगर बेड फूड की मार्केट के हवाले से ही प्रीमियर आटो वाले अली भाई तशरीफ लाए हों या उनके कोई भाई, तो वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी निकालें। ओपन नंबर है 171, मिस्त्री हमजा साहब हैं, पिंड सिहाल चक्री रोड। तशरीफ लाएं जी। जी अगली कुरानदाजी भी बेड फूड के हमारे बड़े प्यारे भाई हैं महमूद आटो वाले, अगर मौजूद हैं तो तशरीफ लाएं, अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी फरमाएं। महमूद आटो अस्तबल से अगर भाई आए हुए हैं, मुझे लगता है वो भी नहीं आए क्योंकि मैं आज आए हुए हैं। आ जाए तशरीफ लाएं। कूपन कुरानदाजी का जो मेरे पास है 537 नंबर है, उस्ताद मलिक इरफान साहब हैं, मलिक ट्रैक्टर वर्कशॉप कहूटा रोड सिहाला से। तशरीफ लाएं जी। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं एक इलाका है पिंडी के गिरदनुआ का जिसको ठंडा पानी के नाम से मशहूर है, ये खन्ना पुल से रास्ता जाता है, वहाँ पर अख्तर कियानी साहब हमारे पास आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी फरमाएं। कूपन कुरानदाजी का 197 नंबर है, मिस्त्री सलीम साहब कल्याल अडयाला लोग से। तशरीफ लाएं जी।
अगली कुरानदाजी के लिए हमारे बड़े मोहतरम मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी लाला अगर खन्ना रोड से तशरीफ़ लाए हुए हैं तो अपने दस्ते मुबारक से कुरानदाजी फरमाएं। बाकी लाला अगर आए हुए नहीं आए। अच्छा जी, अब मैं सेकंड लास्ट, इसके बाद एक आखिरी कुरानदाजी होगी। सेकंड लास्ट के लिए तरनौल से हमारे पास आरिफ भाई मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि सेकंड लास्ट कुरानदाजी के लिए कोपन कुरानदाजी का निकालें। मर्दान ट्रैक्टर पार्ट्स के नाम से आरिफ साहब अगर बैठे हैं तो those goosebumps every time I need that I need it I need that I need it I need that I need it I get those goosebumps every time I need that I need that I need that I get those goosebumps every time। कोपन कुरानदाजी का 293 नंबर है। उस्ताद खुरम साहब हैं, खुरम ट्रैक्टर वर्कशॉप रवात। तशरीफ लाएं जी। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी कुरानदाजी के लिए मैं दावत देने से पहले आप सब दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि खाने के लिए हमें, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से जी, ठीक है, इंतज़ामिया की तरफ से हमें कह दिया गया है कि आप लोगों को पीछे वाली स्टेयर से ऊपर जाने का कह सकते हैं। आखिरी कुरानदाजी के लिए हमारे बड़े मोहतरम भाई जो गिलगित बल्तिस्तान के सफ़र पे अक्सर व बेशतर एटीएस की गली गली में प्रचार और एटीएस के नाम को पहुंचाने वालों में काबिले कदर नाम रखते हैं, रावल ट्रैक्टर ऑटो रावल पिंडी जनाब अरशद सिंधु साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। I get those goosebumps every time. जी, कूपन नंबर है 107। अच्छा, मैं इस कूपन की कुरानदाजी से मैं साथ ही कहूँगा कि जो दारेल से चलास के इलाके सरफराज भाई आए हुए हैं वो भी लाएं, क्योंकि अरशद साहब का भी उनके साथ ताल्लुक है। मैं चाहता हूँ ये कुरानदाजी को इकट्ठे प्रेजेंट किया जाए। उस्ताद सुल्तान साहब की कुरानदाजी निकली है चारी कस हरिपुर रोड से। सरफराज भाई दारेल चलास के इलाके से आए हैं और अरशद साहब ये इकट्ठी कुरानदाजी देंगे जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा और मैं गुजारिश करूँगा एटीएस के टीम के भी कुछ नुमाइंदगान से कि ऊपर ज़रा थोड़ा सा लोगों को बिठाने का इंतज़ाम है, लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। और बहुत वाफर मकदार में खाने की तवाज़ो का एहतमाम किया जाता है, तो आप भी जिस सब्र से जिस इत्मीनान से आप लोगों ने प्रोग्राम को गुजारा है इसी इत्मीनान के साथ बैठ के अपनी तवाज़ो को मुकम्मल करें जी। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, दिल की गहराइयों से शुक्रिया।